हेलो गाइस, ये जो ब्यूटीफुल वे आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वट क्लॉम्थोंग टेम्पल, जो कि क्राबी में है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड बुद्धिस्ट टेम्पल में से माना जाता है थाईलैंड के। बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल गेट है और अंदर मंदिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये है वट बांगथोंग टेम्पल, बहुत ही बड़ा है तिरुपति बालाजी की तरह। दिस इज वट बांगथोंग टेम्पल सिचुएटेड इन आवनांग क्राबी। इतने बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं जो कि फ़ोन में आ ही नहीं पा रहे, और यहाँ सारे एक तरफ बुद्धा जो है वो लाइन में बिठाए हुए हैं, दूसरी तरफ भी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मंदिर पूरा गोल्डन कलर का है, तो कहा जाता है कि इसको शाम के दौरान देखना चाहिए। जितने भी गोल्डन पिलर्स वगैरह या गोल्डन बुद्धाज आपको दिख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे से चमकते हैं उस टाइम पे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग दोपहर में आए हैं बहुत तेज़ धूप में। और आगे बढ़ते हुए शिव जी, पूरी तरफ से डेकोरेटेड है। छत भी ऊपर आप देख सकते हो बिल्कुल डेकोरेटेड है, और ये पिलर्स बहुत ही सुंदर, और ये सामने बुद्धा जी की प्रतिमा है जो चारों तरफ से देखी जा सकती है, फ्रंट साइड्स और बैक से। और दीवारों पे इतने अच्छे चलचित्र बने हुए हैं। एक्चुअली ये फ़ोटोज़ नहीं है, ये स्क्रिप्चर्स की तरह हैं, स्क्रिप्टेड हैं, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, नक्काशी की तरह ये देख सकते हो आप। द बैक साइड, और इसी तरीके से चारों तरफ से ओपन है। इसमें से एक निकलता है जब आप इसको हिलाते हैं, और इसको लेकर आप वहाँ जाके पढ़ते हैं।
18 है ना, 18 सो अब वहाँ पे इसके बारे में दिया है, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। जस्ट लाइक टैरो कार्ड, सो दिस इज अबाउट दिस मंदिर। अब हम चलते हैं वापस। पीपल लगाया गया है, छोटा है अभी बढ़ेगा। एक यहाँ पर ये भी है, बहुत ही बड़ा स्टैचू है, पास हम जा नहीं रहे, दूरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। एक स्टैचू ये भी है, सो दिस वॉज द टेम्पल। ये आवनांग में है, जहाँ आवनांग बीच था पिछली बार एक हमने कवर किया था। अब हम उस तरफ वापस जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने हत्याई की तरफ वापस निकलेंगे। सो ओके, अब अगली बार मिलेंगे किसी और जगह पे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू।